हाउ टू एक्सपोर्ट इन केनिया फ्रॉम इंडिया, हिंदुस्तान से केनिया में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, केनिया क्या क्या खरीद रहा है, कहां से खरीद रहा है, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए। आपको बस एक ही काम करना, वीडियो को देखना लास्ट तक विदाउट स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सेन, इंटरेस्ट बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर यही बात कर लेते हैं कि जो केनिया है, केनिया कहां कहां से इंपोर्ट कर रहा है, कितना इंपोर्ट कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना से वो जबरदस्त क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहा है। चाइना से कितना इंपोर्ट कर रहा है, केनिया चाइना से, क्योंकि चाइना सस्ता देता था, चाइना से इंपोर्ट कर रहा है 4.02 बिलियन US डॉलर का, 4.02 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है केनिया फ्रॉम चाइना। दैट इज अराउंड 20% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो गेस कौन, वी आर द सेकंड एक्सपोर्टर इन केनिया। केनिया के सबसे बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री में सेकंड प्लेस पे आता है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान से कितना इंपोर्ट करा केनिया, केनिया हमसे इंपोर्ट करा 2.1 बिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 10.7% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। कितना जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 10% तो भाई कम से कम इंडिया से इंपोर्ट करता ही है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से, जो आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कीजिए केनिया को। केनिया एक हमारा पसंदीदा टारगेट है, डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट करने के लिए। आप वहां एक्सपोर्ट करके अपना नंबर वन पे अचीव करिए। नंबर सेकंड से नंबर वन पे जो पोजीशन है, पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, थर्ड नंबर कहां से वो इंपोर्ट करता है, थर्ड नंबर पे बेसिकली आता है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसको आप दुबई के नाम से ज्यादा जानते हैं ना, वही ज्यादा पसंद करते हैं जाना आप। तो दुबई से यानी यूएई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से कितना इंपोर्ट करा है, 1.62 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा। दैट इज अराउंड 8.3% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। अगर सऊदी अरबिया की बात करूं, सऊदी अरेबिया से वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरेबिया से 1.04 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 5.34% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। अगर मैं जापान की बात करूं, जापान फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है केनिया में, तो जापान से कितना इंपोर्ट कर रहा है, जापान से 892 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 4.5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 4.5% तो अकेला जापान से इंपोर्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उससे पहले बता दो, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, बायर को किस तरीके से आप कन्विंस करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे लिए सेफ पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल स्टडी कराते हैं। आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं यही बात करूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है मिनरल ऑयल, मिनरल फ्यूल, वैक्स, बिटुमिनस। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो कितना इंपोर्ट करता है, 3.5 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर केनिया इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 17.9% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट कर रहा है उसका 17.9% वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। अगर सेकंड नंबर की बात करें कि सेकंड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है जो कि टॉप लिस्ट में है केनिया की, तो सेकंड नंबर पे आता है मैकेनिकल प्रोडक्ट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, मैकेनिकल मशीनरी, मैकेनिकल कोई भी मैकेनिकल पार्ट है, मैकेनिकल इक्विपमेंट है, कोई भी मशीनरी है, मैकेनिकल आइटम को कितना इंपोर्ट कर रहा है, 1.59 बिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 8.14% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 8.14% बेसिकली मैकेनिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं थर्ड नंबर की बात करें कि सर थर्ड नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, थर्ड नंबर पे आता है ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, कोई असेंबली या पूरी व्हीकल, कार, बस या हैवी व्हीकल या छोटी व्हीकल या बड़ी व्हीकल या फिर कॉमर्शियल व्हीकल या पर्सनल व्हीकल, सभी तरीके के व्हीकल या व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, वो टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है, वो इंपोर्ट कर रहा है 1.37 बिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 7% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 7% तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, यानी व्हीकल एंड व्हीकल स्पेयर पार्ट्स। अगर मैं फोर्थ नंबर की बात करूं कि फोर्थ नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, तो फोर्थ नंबर पे आता है आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील कितना इंपोर्ट कर रहा है, आयरन एंड स्टील वो बेसिकली 1.28 बिलियन डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 6.55% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया।
अगर मैं बात करूं केनिया कितना इंपोर्ट करा, केनिया 6.5%, वो तो आप आयरन एंड स्टील ही इंपोर्ट करा है। अगर मैं फिफ्थ नंबर की बात करूं तो फिफ्थ नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल केबल, इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल वायर का अलग से हमारा वीडियो भी हुआ, आपने नहीं देखा हमारे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच गियर, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम है, टोटल इलेक्ट्रिकल आइटम वो कितना इंपोर्ट करा, इलेक्ट्रिकल आइटम 1.19 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करा। दैट इज अराउंड 6.08% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 6.08% वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल आइटम इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं बेसिकली सिक्स नंबर की, सिक्स नंबर पे क्या प्रोडक्ट आता है, सिक्स नंबर पे आता है वेजिटेबल, वेजिटेबल फैट ऑयल, इडेबल ऑयल, इस टाइप के प्रोडक्ट को टोटल कितना इंपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो इंपोर्ट कर रहा है 1.05 बिलियन यूएस डॉलर का। वैसे वहां पे भी वेजिटेबल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, लेकिन वो इंपोर्ट भी करता है वेजिटेबल, वेजिटेबल फैट या फिर इडेबल ऑयल, वो 1.05 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 5.38% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 5.38% तो बेसिकली वो वेजिटेबल, वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल फैट या इडेबल ऑयल ही वो इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं सेवंथ नंबर की बात करूं तो सेवन नंबर पे आता है अनाज, सीरियल्स। सीरियल्स वो कितना इंपोर्ट कर रहा है, जो कि हम उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, गुजरात से एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम मध्य प्रदेश से ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो सीरियल्स कितना इंपोर्ट कर रहा है, सीरियल्स वो 1.03 बिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 5.28% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 5.28% बेसिकली वो सीरियल्स इंपोर्ट कर रहा है। अगर एट नंबर की बात करो कि एट नंबर पे कौन सा प्रोडक्ट आता है, एट नंबर पे आते हैं प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, जो कि गुजरात से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करते हैं हम। गुजरात में मोर देन 5000 यूनिट्स हैं जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसमें 40-50% तो कंपनीज ऐसी हैं, फर्म्स ऐसी हैं, एंटरप्राइजेस ऐसे हैं कि जो खुद से एक्सपोर्ट करते हैं, अपना एक्सपोर्ट करते हैं, यानी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, और 40-50-60% तक बेसिकली ऐसी जो कि लोकल में काम करते हैं, लोकल में हमारा खुद का कंजम्पशन जो है उसको फुलफिल करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों से जो कि ट्रेडर हैं, उन सब कंपनी से भी लेके आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हिंदुस्तान का नाम ज़्यादा हो और हिंदुस्तान में फॉरेन करेंसी आई। आपका खुद का बेनिफिट तो होगा ही होगा, हमारी कंट्री का भी बेनिफिट होगा, हमारी रुपीस की वैल्यू बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं कितना इंपोर्ट करता है प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, 982 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है केनिया। दैट इज अराउंड 5% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 5% वो प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट ही इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं नाइन्थ नंबर की बात करूं कि नाइन नंबर में कौन सा प्रोडक्ट आता है, नाइन नंबर पे आता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यानी दवाइयां, मेडिसिन, जो कि हिंदुस्तान में काफी अच्छा नाम है। हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट होती है क्योंकि यहां लेबर कॉस्ट कम आती है, यहां पे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट कम आती है। सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश और गुजरात, दो ही स्टेट में बताता हूं हमेशा अपने प्लेटफॉर्म पे, दो ही स्टेट को अगर आप काउंट करें तो हमारे पास दो ही स्टेट में मिला के मोर देन 5000 एफडीए अप्रूव्ड यूनिट्स है, जो कि आप अमेरिकन कंट्री, कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री या नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, कहीं भी अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना है तो एफडीए अप्रूव्ड होना बहुत जरूरी है, और एफडीए अप्रूव्ड होना आसान बात नहीं है, और हमारे पास 5000 यूनिट्स है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग हब में क्या पोटेंशियल है इन केस ऑफ मेडिसिन। तो वो मेडिसिन या फिर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट कितना इंपोर्ट कर रहा है, 776 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है केनिया। दैट इज अराउंड 3.96% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। केनिया जितना भी इंपोर्ट करता है उसका 3.96% बेसिकली वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं, 10th लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आयरन एंड स्टील आर्टिकल, आयरन एंड स्टील के बने हुए जो प्रोडक्ट है, फिनिश गुड्स है, वो इंपोर्ट करता है। कितना इंपोर्ट करता है, 474 मिलियन यूएस डॉलर का। दैट इज अराउंड 2.42% ऑफ द टोटल इंपोर्ट ऑफ केनिया। हम जिसको जितना भी केनिया इंपोर्ट करता है उसका 2.42% वो बेसिकली आयरन स्टील के प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो कि हम उड़ीसा से एक्सपोर्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ से एक्सपोर्ट करते हैं और झारखंड से एक्सपोर्ट करते हैं। अगर मैं टेक्निकल रिसर्च की बात करूँ, ग्लोबल एक्सपोर्ट की टेक्निकल रिसर्च क्या बोलती है केनिया के बारे में, तो इकोनॉमी सबसे पहले पायदान पे आता है। इकोनॉमी है 118.1 बिलियन यूएस डॉलर, यानी 118.1 बिलियन यूएस डॉलर का इकोनॉमी है, और पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 5.7 करोड़ का पॉपुलेशन है, जिसमें 1 लाख के आसपास में इंडियन भी रहते हैं जो कि वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, मैक्सिमम बिजनेस कर रहे हैं। अगर पर कैपिटल इनकम की बात करें तो पर कैपिटल इनकम थोड़ी सी कम है, इंडिया से भी कम है, यानी 2290 यूएस डॉलर का पर कैपिटल इनकम है, जो कि हिंदुस्तान का 2500 यूएस डॉलर का। अगर वहाँ के कौन कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर 29% का कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में, और इंडस्ट्री सेक्टर बहुत कम कर पा रहा है,
क्योंकि फैक्ट्रीज वगैरह कम है वहां पे, ओनली 18% का कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन सर्विस सेक्टर जबरदस्त दिखाई दे रहा है, सर्विस सेक्टर 53% का कंट्रीब्यूट कर रहा है, टोटल एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहा है, 7.5 बिलियन US डॉलर का ही टोटल एक्सपोर्ट कर रहा है, टोटल इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, 23 बिलियन US डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, हिंदुस्तान की तरह एक्सपोर्ट डेफिसिट कंट्री है। अगर करेंसी की बात करें तो केनियन शिलिंग आती है, दैट इज इक्वल टू 0.61 INR, यानी 1 Indian rupees इज इक्वल टू 1.64 केनियन शिलिंग। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर एक हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा बिजनेस में आता है या जॉब करा डायरेक्ट इंटर से मार्केट में आना चाहता है या फिर केनिया को टारगेट करना चाहता है, केनिया में एक्सपोर्ट करना चाहता है और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू एड करना चाहते हैं तो हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट को मैं बड़े चाह के बड़े चाव से रिव्यू करता हूँ, उनको रीड करता हूँ और उनका रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू।